रंगीन पानी वाले गिलास में डाली। आइए हम जानें कि पौधों में पानी का वहन कैसे होता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए साइड पैनल से किसी भी बटन पर क्लिक करें। डाली। हम इस गतिविधि को करने के लिए स्वस्थ पौधे की नरम डंठल का उपयोग करेंगे। ग्लास, फ्लैट बेस वाला एक गोलाकार कंटेनर जो पौधे की शाखा रखने के लिए उपयोगी होगा। स्याही की बोतल, लेखन स्याही जो इओसिन का एक पतला द्रव्य है जिसका उपयोग इस गतिविधि में पानी को रंगीन करने के लिए किया जाएगा। पानी। इस गतिविधि को करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ब्लेड। स्टेनलेस स्टील के तेज ब्लेड का उपयोग डाली को काटने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कि पानी डंठल तक कैसे जाता है और पत्तियों और फूलों तक पहुंचता है। जारी रखने के लिए प्रकाशित बटन पर क्लिक करें। पौधे की डाली को पानी वाले गिलास तक खींच लें। अब उसमें स्याही डालने के लिए स्याही की बोतल को ग्लास के करीब खींचें। शाखा का निरीक्षण करें और उस हिस्से पर क्लिक करें जिस हिस्से के रंग में परिवर्तन दिखता है। पानी केशिका की प्रक्रिया द्वारा पौधों के माध्यम से गुजरता है। खास तौर पर पौधे के डंठल से पानी खींचा जाता है और फिर पत्तियों और फूलों तक पहुंचता है। जारी रखने के लिए प्रकाशित बटन पर क्लिक करें। अगले दिन आप पत्ते की नसों का अवलोकन करते हैं। उसमें भी रंग बदलाव दिखाई देता है। डाली को काटने के लिए ब्लेड को पौधे की डाली पर खींचें। क्या डाली के कटे हुए भाग में कोई रंग दिखाई देता है? डाली को काटने पर हम डाली के अंदर रिंग में व्यवस्थित कई रंगीन धब्बे देख सकते हैं। जारी रखने के लिए प्रकाशित बटन पर क्लिक करें। पौधों में रंग वहां कैसे पहुंचता है? पौधों को अपने अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये रंगीन पानी को सोख लेता है। परिणाम स्वरूप हम शाखा के कटे हुए हिस्से में रंगीन धब्बे देख सकते हैं। डाली पानी का वहन करती है। पानी में खुले खनिज पदार्थ भी स्याही की तरह ही पानी के साथ साथ पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। इस एक्टिविटी को दोहराने के लिए लर्निंग या एवेल्युएशन बटन पर क्लिक करें।